Hi everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really really well. मैं हमेशा आप लोगों के साथ न्यूड शेयर शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि थोड़े डार्क शेड्स भी शेयर करा करो. तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ अमेजिंग से डार्क शेड्स पे, मरून, प्लम्स, देन कॉफी ब्राउन्स, बहुत ही अमेजिंग से शेड्स जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाली है. तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना है, होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. ऑल्सो गाइज, हर एक प्रोडक्ट का जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्राइस साथ के साथ दिखता जाएगा स्क्रीन के ऊपर. द वेरी फर्स्ट लिपस्टिक आई हैव हियर इज दिस वन. दिस इज द मैट मी बाय इन कलर. ये इन कलर की लिपस्टिक है जिसमें मेरा शेड है 01 किटी पार्टी. आप इसको 3 ईयर्स तक यूज कर सकते हो. ये 24 में एक्सपायर होगी एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है 2.3 ग्राम्स की क्वांटिटी. इट कम्स इन अ क्रेयॉन फॉर्म बट ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, सो यू गाइज हैव टू शार्प इट. सो लेट्स जस्ट सी इट्स वॉच. दिस इज हाउ द शेड किटी पार्टी लुक्स लाइक. नाउ इट कम्स इन अ ब्यूटिफुल क्रीमी मैट फॉर्मूला. आप जब इसकी एप्लीकेशन करते हो ना, तो आपको एकदम ऐसा लगता है दैट इट्स अ क्रीमी लिपस्टिक. इतनी स्मूथ है ये एप्लीकेशन करने में, बहुत ही ज्यादा मक्खन की तरह ग्लाइड होती है. बट जब आप इसकी फिनिश देखते हो, दिस इज कम्प्लीटली मैट. एट द सेम टाइम दिस इज वेरी वेरी कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स. लिप्स के ऊपर ना बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होती है. लिप्स वॉचेस साथ के साथ आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे. दिस इज स्मच प्रूफ, दिस इज ट्रांसफर प्रूफ. थोड़ी बहुत हो जाती है, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा कुछ ऑयली वगैरह खा रहे हो या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीज आपने हैवी इंडियन फूड खा लिया है, तब थोड़ा सा स्मजर ट्रांसफर हो सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्मली अगर आप इसको इस तरीके से लगा के रखोगे ना, तो ये ज्यादा स्मजर ट्रांसफर नहीं होगी. एंड द कलर इज वेरी वेरी प्रिटी. नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव इज फ्रॉम बायोटीक. ये है बायोटीक की मैजिक कलर लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है बॉन्ड गर्ल R604. ये आप यूज कर सकते हो 4 ईयर्स तक. लाइक ये आप 26 तक यूज कर सकते हो. 22 में मैन्युफैक्चर्ड है एंड 4.2 ग्राम्स की आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है. कम्स इन अ वेरी क्यूट पिंक पैकेजिंग. दिस इज हाउ यू रिसीव इट, ब्यूटिफुल कलर. लेट्स जस्ट सी दिस वॉच. दिस इज हाउ द शेड बॉन्ड गर्ल लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रस्टी ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर. लाइक इसके अंदर ब्राउन के हिंट्स भी हैं, देन हल्के हल्के अगर आप लगाओगे ना, मरूनिश रेड टेंट्स भी आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है. अगेन इट हैज ए क्रीमी मैट फॉर्मूला. ये एप्लीकेशन क्रीमी करती है बट इसकी फिनिश कम्प्लीटली मैट नहीं है. इट हैज अ सेमी मैट फिनिश. एज यू कैन टेक अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कलर्स. ये कम्प्लीटली मैट है और ये थोड़ा सेमी मैट सॉर्ट ऑफ फिनिश देती है. नाउ बिकॉज इट हैज अ सेमी मैट फिनिश, ये थोड़ी सी स्मज और ट्रांसफर डेफिनेटली हो जाती है बिकॉज कम्प्लीटली मैट नहीं है. दैट्स द रीजन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन ये लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है. ये सारे कलर्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मीडियम, डस्की, फेयर, हर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से सूट करने वाले हैं. फेयर और वीटेश पे किस तरीके का लगता है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और डस्की के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कलर्स वर्क करने वाले हैं. नाउ अगेन ये वाला जो कलर है, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. आपको मैं बता चुकी हूँ थोड़ा सा स्मजर ट्रांसफर होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होता है और बिल्कुल हैवी नहीं लगता. नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव इज फ्रॉम मेबलिन. दीज आर दी मेबलिन, इसका नेम क्या है, द क्रीमी मैट्स. या राइट, मेरा इसमें शेड है 634 बोल्ड क्रिम्सन. इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है एंड एज द नेम सेज क्रीमी मैट. आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी पता लग चुका होगा. दिस इज हाउ यू ओपन इट अप एंड हेयर इज अ शेड, अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेड शेड. लेट्स जस्ट सी दिस वॉच. Now these lipsticks are extremely creamy. ये ना literally ऐसे glide करती हैं आपके lips के ऊपर. It feels like you are applying a lip balm. But इनकी pigmentation आप खुद देख सकते हो कितनी ज्यादा amazing है. जो color आपको hand पे दिख रहा होगा वैसे ही exact आपको face पे भी appear हो रहा होगा. बहुत ही ज्यादा pretty color है. Now it's not a completely tomato red sort of color. इसके अंदर ना हल्के हल्के pink और magenta के undertones हैं, जिसकी वजह से ना color बहुत ही ज्यादा pretty लग जाता है. जिन लोगों को completely red shade लगाना अच्छा नहीं लगता ना, वो ये definitely लगा सकते हैं. Now क्रीमी मैट है, थोड़ी सी स्मजर ट्रांसफर हो जाती है, बट लिप्स के ऊपर इतनी कंफर्टेबल है, इतनी सॉफ्ट फील होती है, बिल्कुल हैवी नहीं लगता और लिप्स को ड्राई आउट तो बिल्कुल भी नहीं करती. नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव हियर इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी. इसमें जो मेरा शेड है वो है शो बिज 107. ये बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक्स हैं. इन लिपस्टिक्स का जो नाम है ना, वो क्या है लिपस्टिक का नाम, आई डोंट नो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि नहीं, बट आप इसको 2 ईयर्स तक यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपको 4 ग्राम्स की क्वांटिटी मिल जाती है. दिस इज हाउ यू ओपन इट अप, अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड. द पैकेजिंग इज वेरी शीक एंड इट हैज अ वेरी माइल्ड चॉकलेटी फ्रेग्रेंस. स्वॉच देख लेते हैं पहले. So this is how the shade Showbiz looks like. It's nude but a beautiful bold color at the same time. Now ये वाला जो color है ना, इसमें mauve के बहुत ही pretty undertones आ जाते हैं. Purple mauve sort of color लगता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है. Now इसकी application again बहुत ही ज्यादा creamy लगती है, बहुत ही smooth application है, but जो finish है वो completely matte है.
इवन दो ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्मज या ट्रांसफर नहीं होती है, बिल्कुल माइनर सा हो जाए तो हो जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर एक्चुअली स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ, दैट इज वाई आई लव देम। थोड़ी सी प्राइस में हाई चली जाती है बट इसकी जो क्वालिटी आपको मिल रही है ना, दैट सेज इट ऑल, बहुत ही अमेजिंग है। अगेन लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल हैवी फील नहीं होती, ड्राइनेस नहीं करती है लिप्स के ऊपर, और ये अगेन ऐसा शेड है जो सारी स्किन टोन्स के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। देन आई हैव माय ऑल टाइम फेवरेट मामा अर्थ की लिपस्टिक, विच इज दी मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है रेजन पंच। 2 ग्राम्स की क्वांटिटी आपको मिल जाती है, एंड ट्रस्ट मी ये शेड का जब आप स्वॉच देखने वाले हो ना, यू आर गोइंग टू लव दिस सो मच। सो दिस इज हाउ द शेड रेजन पंच लुक्स लाइक। आई नो ये भी आपको लग रहा होगा रेड है, किसी एंगल से लग रहा होगा मरून है, बट दिस इज नाइदर रेड नॉर मरून, इट्स अ ब्यूटिफुल कलर गाइज। ये एक प्लम, रेड, मरून, मजेंटा, सबका एक मिक्स सॉर्ट ऑफ कलर है जो इतना प्रिटी है। फॉर दोज हु जस्ट लव अप्लाइंग बोल्ड कलर्स बट उनको रेड, मरून, ये सब कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, यू हैव टू गिव दिस अ ट्राई, दिस इज सो प्रिटी, ओ माई गुडनेस। मामा अर्थ की वाली जो लिपस्टिक्स है ना, फर्स्ट ऑफ ये क्रीमी मैट है, एप्लीकेशन इज स्मूथ एज हेल, यू लिटरली फील लाइक यू आर अप्लाइंग अ लिप बाम, ठीक है, एप्लीकेशन कर ली, एकदम मैट फिनिश देती है, दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ऑन द लिप्स, एट द सेम टाइम लिप्स को हाइड्रेट करती है ये, क्योंकि कोई लिपस्टिक ऐसा नहीं होती कि लगाने के बाद भी आपको लगे कि लिप्स बहुत हाइड्रेटेड लग रहे हैं या कुछ, बट ये लिपस्टिक लगाने के बाद यू लिटरली फील लाइक आपकी लिप्स जो है ना वो हाइड्रेटेड है। इसका नाम भी वही है, मॉइस्चर मैट, इट गिव्स अमेजिंग एंड इंटेंस मॉइस्चर टू योर लिप्स। इसका स्टे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल माइनस ही स्मज और ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज इट कम्स इन अ क्रीमी मैट फॉर्मुला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये शेड बहुत अमेजिंग है, एंड इफ यू लाइक बोल्ड colors, you have to try this out. Finally, this lipstick from Maybelline. These are the Maybelline Color Sensational Intense Crayon Lipsticks. जिसमें मेरा shade है डार्क चॉकलेट, ये आपको देती है हाई कवरेज और मैट फिनिश, कम्स इन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉर्म, इस तरीके से रिट्रैक्टेबल फॉर्म में मिल जाती है, विच मेक्स इट वेरी वेरी नाइस, हमारा प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होगा, तो स्वॉच देखते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द शेड डार्क चॉकलेट लुक्स लाइक, यू कैन टेक अ लुक एट दैट, इट्स सो प्रिटी। नाउ ये ना एक चबी फॉर्म में आता है, तो धीरे धीरे एप्लीकेशन करना, बिकॉज बहुत चांसेस आप मेस कर सकते हो, या फिर अपने लिप्स को अच्छे से पहले लाइन कर लेना एंड देन जस्ट इसकी हेल्प से फिल इन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, एंड ये मैट फिनिश नहीं देती है, ये आप देख सकते हो सैटिन फिनिश वाली लिपस्टिक है, सैटिन मैट सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, सो डेफिनेटली दैट मीन्स ये स्मज और ट्रांसफर जो है वो होने ही वाली है, ये कम्प्लीटली एकदम स्मज प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ नहीं रहेगी, एकदम नाइस ग्लॉसी फिनिश देती है, और आजकल ग्लॉसी फिनिश वैसे भी ट्रेंड में आ चुका है, बहुत सारे लोग ग्लॉसी फिनिश वाली लिपस्टिक जो है ना वो प्रेफर करते हैं, तो ये वाली लिपस्टिक डेफिनेटली वो चीज देने वाली है, आपको इसके ऊपर ग्लॉस लगाने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बट लिप्स के ऊपर बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल हैवी फील नहीं होती, एंड द कलर इज लिटरली टू डाई फॉर। सो या गाइज, दीज वर माई फेवरेट शेड्स विच आई लिटरली प्रेफर जब मैं बोल्ड कलर्स लगाने के मूड में होती हूँ, एंड जब मुझे अपनी मम्मा को कोई ब्यूटिफुल बोल्ड कलर देना होता है, सो दीज आर द शेड विच आई डेफिनेटली पिक आउट, एंड या दैट इज इट। अगेन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।